गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फिल्म गर्ल, एंड आई एम बैक विद योर रिएक्शन वीडियो। एंड हाँ, बहुत जल्द मैं हमारे ओडिया इंडस्ट्री का अपकमिंग मूवी पावर के रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस वीडियो के बाद, जिसमें मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ मूवी रिलेटेड। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। एंड क्यों ना उस अपडेट से पहले उसी मूवी का जो एक गाना आया है, काफी धमाल मचा रखा है इंटरनेट पे, उसी के रिएक्शन वीडियो से स्टार्ट करते हैं हमारे मूवी सीरीज रिलेटेड टॉपिक्स। तो उस गाने का नाम है लाल टॉटो, जो कि रीमेक वर्सन है लाल टॉटो गाने का, जो बहुत साल पहले आया था। लोफर मूवी का गाना है, जिसमें खुद बाबूशन सर थे एंड अर्चिता साहू मैम वो थे बुद्धादित्य, एंड उसमें वो एक आइटम सॉन्ग था जिसमें लवली जो थी ओडिया हीरोइन उनको फीचर किया गया था। तो काफ़ी मतलब पूरा मतलब संबलपुरी वाइब्स मतलब दे रहा था वो गाना, एंड वो गाना काफ़ी पॉपुलर है, अब भी लोग उसको सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो उसी गाने का एक रीमेक वर्सन है, जिसमें मंटू छुरिया एंड असीमा पंडा वो दोनों गाए हैं ये गाने को। वो गाने को जो मतलब पहले जो ओल्ड गाना था उसको उमाकांत सर एंड संजू जो वो दोनों गाए थे, अभी असीमा पंडा एंड मंटू छुरिया का उन दोनों का वर्सन है इस पावर मूवी में। एंड वो जो ओल्ड गाना था वो एक आइटम सॉन्ग था, बट यहाँ पे हीरो एंड हीरोइन डांस कर रहे हैं, एलिना एंड बाबूशन सर वो डांस कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या कैसे मतलब हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि पहले जैसे धुड़िया जनता का गाना आया था वो मतलब लिरिकल वर्सन आया था, थोड़ा फोटोज वगैरह मतलब वैसे चल के शूटिंग का थोड़ा व्यू दिखा के मतलब ऐसा पहले गाना आया था, उसके बाद मतलब फुल गाने का वीडियो आया था। तो मुझे भी लग रहा है ऐसा आया होगा, क्योंकि मैं देखी नहीं हूँ, बट मैंने इंटरनेट पर मतलब जब सुनी तो वर्सन थोड़ा तो अलग लगा, क्योंकि लिरिक्स भी बहुत चेंज है। तो लेट्स सी कि क्या है, देन मैं आपको ओपिनियन शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अमर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे है ये गाना। भाई स्टार्ट हो गया, अब तो मतलब अब से ही स्टार्ट हो गया। लाल टॉटो फुल सॉन्ग पावर, मंटू छुरिया, असीमा पंडा, एलिना, बाबूशन सर। ओके, ओरिजिनल सॉन्ग क्रेडिट्स अभी भी दिया गया है उमा एंड संजू। गौरव आनंद म्यूजिक दिए हैं अभी, मतलब ये नया वर्सन को गौरव आनंद म्यूजिक दिया है, काफी पॉपुलर है वो भी, मंटू छुरिया, असीमा पंडा। बीट्स तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। ये बहुत मतलब ओडिया वर्सन है, उसके बाद संबलपुरी मिक्स किया गया है, बट गम गम मुझे पता था मतलब ये लिरिकल वर्सन होगा एंड थोड़ा मतलब विजुअल से दिखाएंगे बस। वेल, लग रहा है काफ़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं तो वेट करी हूँ कब इसका प्रॉपर म्यूजिक वीडियो आएगा एंड मैं उसको एंजॉय करूँगी एंड आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करूँगी। वैसे पुराना गाना मतलब आइटम सॉन्ग था एंड इसमें लिरिक्स भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, एंड इसमें पतली पन्या इसमें ना ओडिया एंड संबलपुरी मिक्स हुआ है, बट वो वाला पूरा संबलपुरी था, वो थोड़ा थोड़ा ओडिया था बट मैक्सिमम संबलपुरी था। खंटी संबलपुरी सॉन्ग जिसको बोलते हैं वो वाला था, ये थोड़ा मतलब ज्यादा उड़िया है एंड ये बस उसके बीट में ये गाना है। एंड वो जो पुराना गाना है ना वो थोड़ा मतलब ज्यादा डांस वाइब्स दे रहा था, ये भी दे रहा है, इसका म्यूजिक बीट्स मतलब जितना भी है वो मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया मंटू छुरिया का वॉइस के हिसाब से, ये उनके वॉइस के हिसाब से ये गाना है, तो स्मूथनेस है एंड बीट्स के वजह से अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा डांस मूव्स है यहाँ पे, ये देखो फ्लावर दे रहे हैं। माय गॉड, बाबूशन सर इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, माय गॉड डेडिकेशन तो देखो भाई यार, इज अ मतलब वर्सेटाइल एक्टर। बाय द वे बीजीएम बहुत खतरनाक है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे से मैच करना मतलब करने की कोशिश किया गया टसर करने को। वैसे अब तक मुझे ये लास्ट वाला फीमेल पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, मेल पार्ट पहले से अच्छा लग रहा है।
कल बदना कल बदना वेल गाना अपने हिसाब से बहुत अच्छा था एंड ये रोजा में आने वाला फिल्म बहुत जल्द इसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। बट मेरा रिएक्शन मैं मतलब बता रही हूँ आपको कि काफी लोग बोल रहे हैं कि नथिंग कैन मैच द ओल्ड एरा। इसका मैं बोलूंगी गाना अच्छा है, बीजीएम टॉप नॉच है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा मुझे फीमेल पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा डाउन लगा मतलब मेल पार्ट से, बट लास्ट में जैसे बीच बीच में जैसे मतलब एंडिंग होता जा रहा है गाना तब मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज हम सबको पता है कि ओल्ड इज गोल्ड एंड नथिंग कैन मैच दैट एरा एंड दैट आइटम सॉन्ग, तो ये एक रीमेक एंड अपडेटेड वर्सन है। तो ये अपने हिसाब से अभी के टाइम में जैसे यहाँ पे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, वहाँ पे आइटम सॉन्ग था तो वो आइटम सॉन्ग के हिसाब से वो परफेक्ट था। यहाँ पे एक जोड़ी आइटम सॉन्ग है जहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल वो खुद दोनों ही डांस कर रहे हैं प्यार में मतलब धुंध है, तो ये भी अपने तरफ से ठीक है अभी के जनरेशन हिसाब से। बट स्टिल आई विल से वो वाला गाना ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा था क्योंकि वो पुराना गाना था, तो वो बहुत अच्छा था अपने हिसाब से। ये थोड़ा ओडिया एंड संबलपुरी मिक्स है, वहाँ पे वो पूरा खांटी मतलब संबलपुरी जो बोलते हैं प्योर संबलपुरी बोलते हैं, उमाकांत सर एंड मंटू चुरिया उन दोनों को कंपेयर नहीं करूँगी, वो बहुत मतलब वो लेजेंड है एंड मंटू चुरिया वो भी हैं अपने जगह पे, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे ये अच्छा लगा, पावर मूवी के हिसाब से गाना ठीक है तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप इस पॉइंट के ऊपर क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इंटरेस्टिंग मूवी अपडेट्स एंड रिएक्शन वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।